दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के दिल्ली स्थित आवास पर रविवार देर रात हमला हुआ। वहां मौजूद लोगों के साथ मारपिटाई भी की गई है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमले के वक्त मनोज तिवारी घर पर मौजूद नहीं थे। घटना पर तिवारी ने कहा, यह जानलेवा हमला है, मेरे 2 लोगों को चोटें आई हैं। उन्होंने आगे कहा, यह बड़ी साजिश लग रही है, लगता है पुलिस भी इसमें शामिल है। बहुत बड़ा थ्रेट है और जो लोग आए थे वो नाम लेकर के गालियां भी बक रहे थे। और क्या लगता है कोई साजिश है इसमें किसी की, आपको लगता है? हाँ, वो तो हथियार हथियार भी लिए हुए हैं सब। ये बिल्कुल जानलेवा हमला है। हमारे 2-2 बच्चे बहुत घायल हैं, जो हमारा पाठक कुक है और दूसरा अभिनव लड़का जो हमारा पीएस है, तो एक सब पीएस है, 4-5 लोगों में एक वो भी है। तो नीयत तो उनकी बहुत ही खतरनाक दिख रही है और जिस प्रकार से वो लगभग ये सब कुछ चला है, लगभग 25-30 मिनट चला है, इसमें बड़ी साजिश दिखती है और इसमें पुलिस की भी मिलीभगत दिख रही है। क्योंकि जिस प्रकार से एक पुलिस वाले ने पूरा घर घुमा करके दिखाया है उन बदमाशों को, पहले वो बदमाश अटैक करते हैं, घर में घुस करके मारते हैं, फिर एक पुलिस वाला उन समूह को लेकर ही पूरा घर पूरा दिखाया है, तो मुझे या तो वो पुलिस वाला फेक होगा या तो वो मिला हुआ है। वहीं पुलिस इसे रोडरेज की घटना बता रही है, लेकिन सारा मामला जांच के बाद ही पता चल पाएगा।